फिर से स्वागत है हमारे चैनल फेस्टिवल टीवी पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपको एक बैड न्यूज दूंगा। तो वो क्या है? तो वो है फिर से एक सिम या फिर नेटवर्क कंपनी है जो बंद हो चुका है। ये बहुत बड़ा एक कंपनी है, टाटा डोकोमो। ये भी अब गया, तो पहले गया रिलायंस, उसके बाद एयरसेल, अब गया टाटा। तो इसके बाद जो है एक एक करके सारे सिम जा रहा है जो है कंपनी बंद करके। तो फ्रेंड्स, आपका जो टाटा डोकोमो का सिम है, आप कैसे उसका जो बैलेंस है उससे वापस लाओगे या फिर आप कैसे पुट आउट करवाओगे, ये सब इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। तो प्लीज हमारी वीडियो को आप फुल देखो तो आपको पूरा तरीका समझ में आ जाएगा। तो मैं पहले आपको बता दूं दोस्तों, आप कैसे जो है आप बैलेंस जो है वो बचाओगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीडीए में सिम को क्या करना पड़ेगा, जीएसएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सीडीए में क्या है और जीएसएम क्या है? सीडीए में वो है आप जिस कंपनी का फोन खरीदोगे उसी कंपनी का आपको जो है सिम यूज करना पड़ेगा, इसको सीडीए में कहते हैं। और जीएसएम मीन्स जीएसएम क्या है? जीएसएम है कि आप कोई भी कंपनी का फोन खरीदो और आपको कोई भी कंपनी का जो सिम यूज करना पड़ेगा, आप कोई भी जो है सिम यूज कर सकते हो अपने फोन में, इसे जीएसएम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, टाटा का जो मैक्सिमम जो है सिम है या फिर फोन है उसमें सीडीए में होता है, यानी कि सीडीए में सिम होता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीडीए में सिम को जीएसएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके इस आप जीएसएम में कन्वर्ट करोगे तो आपको दोनों फायदा होगा दोस्तों। तो वो एक है दोस्तों कि आपका जो बैलेंस है वो बच जाएगा। तो क्या होगा, आप बैलेंस को जीएसएम में ट्रांसफर कर लोगे तो आपका जो बैलेंस बच जाएगा। और फिर एक और फायदा होगा आपको, तो क्या है, आप टाटा का जीएसएम करवा लोगे तो आपको टाटा का भी नेटवर्क मिलेगा और जो जिस कंपनी में जो है आप जीएसएम करवाओगे उसका भी फायदा होगा, यानी कि आपको कोई भी कभी भी जो नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, ये दो फायदा हो गया आप जीएसएम में कन्वर्ट करोगे। अगर आप चाहते हो कि आप टाटा में जो है कंटिन्यू नहीं करोगे तो इसके लिए आप पुट आउट करवा सकते हो। तो आप कैसे पुट आउट करवाओगे, इसके लिए आपका जो है टाटा डोकोमो का सिम कोई भी एक फोन में इंसर्ट करना पड़ेगा। करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैसेज सेक्शन ऑन करना पड़ेगा। तो मैसेज सेक्शन ऑन करने के बाद आपको जो पीओआरटी पोर्ट लिखना पड़ेगा। पोर्ट लिखने के बाद एक स्पेस दो दोस्तों, उसके बाद आपका जो टाटा डोकोमो का नंबर है उसको जो है लिख लो। उसे लिख लेने के बाद 1900, प्लीज फ्रेंड्स अच्छी तरीके से सुनो, 1900 स्पेस सेंड कर दो, आपको तुरंत जो है पुट आउट कोड मिल जाएगा। उसके बाद आप कोई भी रिटेलर शॉप में जाइए और आपका जो है पुट आउट कोड उनको दीजिए, वो आपको पुट करवा देगा कोई और सिम में, आप जिस सिम में चाहते हो। तो इसी तरीके से आप जो पुट आउट करवा सकते हो और जो मैंने बताया सीडीए में को जीएसएम करके आप जो है अपना बैलेंस को भी बचा सकते हो। तो फ्रेंड्स, और एक मैं बात बता दूं, इससे पहले रिलायंस और एयरसेल भी जो है बंद हो गया था, तो रिलायंस और एयरसेल ने हमको जो है अपना बैलेंस जो है वापस लेने का कोई भी मौका नहीं दिया था, लेकिन टाटा को दे रहा है दोस्तों। और टाटा कब बंद होगा, 19 मार्च को बंद होगा टाटा, इसलिए आपके पास एक 3 और 4 दिन बचे। तो प्लीज आप जल्दी से जल्दी कर दो। तो फ्रेंड्स, मैं जितना जल्दी जान पाया हूँ उतना जल्दी आपको जो ये वीडियो बना के दे रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ जल्द से जल्द करो इस वीडियो को देखने के बाद। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी दिल्ली में जो है टाटा बंद हो चुका है, तो आपके भी सर्कल में शायद बंद हो जाए कभी भी, इसलिए मैं बता रहा हूँ 19 मार्च से पहले ही करवा लो। और फ्रेंड्स, या सिर्फ और रिलायंस के पुट आउट के लिए मैंने दो वीडियो बनाई है, प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाओ और उसको चेक कर लो और आपको पता चल जाएगा आप कैसे या सिर्फ रिलायंस को पुट आउट करवा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप जितना जल्दी कर सकते हो इस टाटा डोकोमो वाली को पहले जो है शेयर करो अपने दोस्तों रिलेटिव से, क्योंकि उनका जो है टाटा डोकोमो फ्रेंड्स वो बच जाएगा और जो है उनका जो बैलेंस है वो भी बच जाएगा अगर उन्होंने इस वीडियो देख लिया है तो, या फिर आप उनको शेयर करो। फ्रेंड्स, ऐसे ही जो है शेयर कर करके आप लोगों को बताओ कि कैसे जो है टाटा डोकोमो बंद हो रहा है और कैसे वो सब पुट आउट या फिर जो है बैलेंस वापस पा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज फ्रेंड्स इस वीडियो को एक लाइक कर दो और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो हमेशा डालते रहते हैं। और हमारी सब्सक्राइब करने के बाद जो पास का जो बेल का आइकन है उसको भी दबा दो, क्योंकि हम कभी भी कोई भी वीडियो छोड़ेंगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।